उन्होंने कहा मोदी की गारंटी, उनको भ्रम था अगर एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर कोई एंट्री जमारी होगी या किसी उम्मीदवार को लेकर लोग खुश नहीं होंगे, तमाम बातें पीछे रह जाएगी तो मोदी के नाम से रजनी पार हो जाएगी, चुनाव जीते जाएंगे। वो कैलकुलेशन का गलत हो गया है। ये नहीं मानता कि लोग मोदी जी खुद से जो है उनसे नाराज है, उनकी बातों से नाराज है, और सत्य बोलते हैं जो एक्सपोर हो गए वो खुद, ये उनको उनकी उनकी पार्टी को अंदाज नहीं था। बकायदा मैं जाते समझता हूँ, जाते मुझे मीटिंग करके तय किया गया था में कोई नाम किसी का नहीं लगा, पूरे होर्डिंग लगे छत्तीसगढ़ के अंदर, सिर्फ मोदी का लगा है अगली बार मोदी सरकार और मोदी गारंटी। ना कैंडिडेट का फोटो है, ना बीजेपी के नाम है, बीजेपी के नाम है नहीं है ये खतरनाक। ये राजनीतिक लड़ाई हमारी है, विचारधारा की लड़ाई है, उसमें बीजेपी के नाम नहीं आना खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद आप देश को एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव जीता करके ये राष्ट्रपति प्रणाली लागू करेंगे हम पर, क्या चाइना रशिया कोरिया की तरह चुनाव करवाएंगे हम पर, अब चाहते क्या हो? ये माहौल बन गया देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, अमेरिकी के संविधान का किस प्रकार रखोगे पता ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि माहौल बदल गया हो और कांग्रेस और गठबंधन की जीत निश्चित है। राहुल गांधी यात्रा है जो 10,000 किलोमीटर हुई है, दोनों मिला के जो मुद्दे उभर के आए हैं, बेरोजगारी का या आपका महंगाई का, प्यार मोहब्बत भाईचारे का, घर गरीब अमीर की खाई का, छोड़ा लाख में माफ कर दिया आपने 22 लोगों का, मैंने खुद ने देखा है लोकसभा के अंदर मंत्री का जवाब जब पूछा गया भाई आप किसानों के कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहे हो, तो जवाब आया नहीं बिगड़ जाएगी, ऐसे कुछ था इन शब्दों में था कि ये बिगड़ जाएगी मतलब ये मतलब जमीन अलग पड़ जाएगी। तो आप सोच सकते हो 16 लाख रुपए 16 लाख करोड़ माफ हुए, उनको तो वो तो नहीं बिगड़ेंगे और माफ करवा देंगे। गरीब किसान का कर्जा 12,000 करोड़ माफ किया था मनमोहन सिंह ने, अब भी राहुल गांधी ने कर कहा है। मैं आपको अंतर की बात कहना चाहूंगा, आप हमारा जो मैनिफेस्टो 25 घंटे हैं ये खाली 5 साल के मैनिफेस्टो नहीं, ये अगले 25 साल का समझ लीजिए, इसका इतना शानदार डॉक्यूमेंट बन गया, ये इतना शानदार बन गया। क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ देश के अंदर जिसने 98 के अंदर पहली बार सीएम बना, मैंने मैनिफेस्टो को मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में मैंने उसको पास किया। हम मैनिफेस्टो वादे करके आए हैं, इसलिए ये मेरा निर्देश है आप सबको सरकार को कि आप जो है इसके जो एक शब्द लिखा हुआ है वो वादे हमारे पब्लिक से हैं, इसको आधार बना करके गवर्नेंस होगी। लाखों हजारों कॉपी छपी उसकी मैनिफेस्टो नहीं, कलेक्टर सेक्रेटरी सबका पहुंची ब्रीफ के रख करके पूरा 5,000 मैनिफेस्टो में इतना इम्पोर्टेंस देता हूँ। ये मैनिफेस्टो जो है पंचवर्षीय गारंटी, मुझे गर्व है 5 गारंटी वो है जो हमने ऑलरेडी वहां पर लागू कर रखी है, चाहे पेपर लीक हो, आजीवन कारावास कर दिया। वर्कर राइट न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा एक पत्रकार ने, ये गिग वर्क एक्ट पास किया राजस्थान सरकार ने, उसने लिखा हिंदुस्तान में जो राजस्थान नाम का राज्य है उसे कानून पास किया, वही कानून हर राज्य में बनना चाहिए देश के अंदर और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए, वो इसमें आया है। शहरी रोजगार योजना इसमें आ गई है, नरेगा की तरह वो आ गई है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है, 25 लाख हमारे वहां MRI सिटीजन फ्री, ऑपरेशन फ्री, किडनी हो हार्ट का हो गुर्दे बदलाने का हो दवाया फ्री, सब कुछ फ्री है। ये 5 लाख का देते हैं, ये सबको नहीं दे रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे। SSCC जो UPA गवर्नमेंट सर्वे कर रहा था उन लोगों ने यही का 5 लाख ये बीमा आपका आयुष्मान भारत, हमारा बीमा गरीब अमीर कोई हो सबके लिए वो है, जाति का फर्क हो।